जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सार्थक सिंह आज आप सबके सामने फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके आया हूँ, जो कि अक्सर आपको एग्जाम के टाइम पे या वैसे ही जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे ये वर्ड दिस और दिस, इन दो सेंटेंसेस में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, इस सेंटेंस में दिस कार इज माइन, ध्यान दीजिए भैया, कार क्या होता है? नाउन। ये कार मेरी है, कार मेरी है तो कार नाउन। कौन सी कार? ये वाली कार। तो ये वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? कार को। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, सिंपल, नो डाउट। जरा इस साइड आइए, ध्यान दीजिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज माय कार। भैया कार यहां भी नाउन है, माई फिर से एडजेक्टिव, बट इस दिस का पार्ट ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करें? नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो देखो ध्यान से, इसको समझने के लिए एक बेहद ही सिंपल तरीका है, कंपैरिजन करके समझ सकते हैं आप। कैसे? अगर मैं लिखूं कि राहुल इज माई फ्रेंड, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं राहुल इज माई फ्रेंड, एक बात बताइए, राहुल क्या होगा यहां? राहुल मेरा दोस्त है तो राहुल क्या होगा? नाउन होगा। बिल्कुल हूबहू तो वैसे ही सेंटेंस ऊपर लिखा है, दिस इज माय कार, भैया राहुल मेरा दोस्त है, ये मेरी कार है। अब इस जगह पे जरूरी नहीं है कि कोई नाम आए, कि वो किसी लैम्बर्गिनी का नाम ले ले, या मर्सिडीज का नाम ले ले, या सफारी का नाम ले ले तो ही नाउन होगा। नहीं, वो दिस भी हो सकता है। रटने की गलती मत करिएगा कि दिस तो एडजेक्टिव ही होता है। यहां ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि दिस वर्ड रटिएगा मत कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव भी होता है, उसका एक कॉमन एग्जांपल है, बट ऐसे सेंटेंसेस में दिस नाउन होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो, बेहतरीन लगा हो, पहली बार आपने सीखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगले वीडियोज में मैं कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिससे कि आपको अगले एग्जाम्स में बहुत ही फायदा मिले। ठीक है, जय हिंद।